नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुचि तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नमिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम जानने वाले हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ मैम आपका, और बस सीधे शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि डॉक्टर वर्मा, आप हमें बताना चाहेंगी कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि तिवारी। तो जैसे कि मैम ने कहा कि इस प्रोग्राम को स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं, तो सीधे सीधे मैं भी आंसर करना चाहूँगी कि एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे दो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, BA और MA, BA UG लेवल एंड MA PG लेवल। ओके जी। जी मैम, तो मैं जैसा कि आपने बताया कि आपके डिपार्टमेंट में UG और PG दोनों ही चल रहा है जी, तो क्या UG जो आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, तो जैसे अभी NEP लॉन्च हुआ है जी, तो NEP ने आपके UG प्रोग्राम्स में कुछ चेंजेस लाए जी हैं? जी मैम, सेमेस्टर वाइज हमने इस प्रोग्राम को डेवलप कर लिया है, जिसमें कि हमारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हमने रखे हुए पेपर्स, मेजर पेपर एंड माइनर पेपर, और उसके साथ ही हर सेमेस्टर में हमने जनरल इलेक्टिव भी अभी दिया है। ओके तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेजर, माइनर और जनरल इलेक्टिव से हमने पेपर्स रखे हुए हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन तो चलिए बाकी जो, अच्छा इसकी डिटेल्स उनको कहाँ से मिलेगी कि पेपर्स क्या हैं, कैसे हैं? जी, इनकी जो डिटेल्स होंगी वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर वो लर्नर्स हेल्प डेस्क में जाते हैं तो उनको पेपर से लेके असाइनमेंट, एडमिशन प्रोसेस सब कुछ पता चल जाएगा। ओके जी। तो जो आपके ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ शेयर करना चाहेंगी? जी, www.uou.ac.in। ओके अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके PG का क्या सिनेरियो है, मतलब किस तरीके से आपका PG रन होता है, या किस कितने सेमिस्टर्स हैं, कितने पेपर्स हैं? जी, PG में हमारा जो है सेमेस्टर वाइज हमने इसको चेंज कर दिया है, और 2 ईयर्स का ये प्रोग्राम है। फर्स्ट सेम में हमारे 501 to 504 पेपर्स चलते हैं, MAC 501, ऐसे ही MAC 502, 503, 504। फिर हमारा सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है 505 से 508 तक। Okay. और फिर हमारा थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है 601 से 605। देन फोर्थ सेमेस्टर में भी हमारा 606 to 610 पेपर्स हैं। ओके, तो इट मींस कि आपके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में चार चार पेपर हैं जी, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पांच पांच पांच। ओके जी जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर वर्मा, जैसे कि आपने बताया कि UG प्रोग्राम भी चल रहे हैं, PG प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जी, जी, जी। तो इनका मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन आप साझा करना चाहेंगी हमारे लिसनर्स के साथ? जी मैम, BA का जो है मिनिमम 3 ईयर्स का है, और मैक्सिमम इसका 6 ईयर्स का है, कि मिनिमम तो आप इसको 3 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 6 ईयर्स मिलेंगे। Okay. और अगर हम बात करते हैं PG कोर्सेज की, MA की, तो इसमें मिनिमम टाइम तो जैसे कि आप एज यूजुअल 2 ईयर्स है, पर इसको कंप्लीट करने के लिए जो समय दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो है 6 साल का। ओके जी, तो अच्छा खासा टाइम आप दे रहे हैं अपने लर्नर्स को कंप्लीट करने के लिए। हाँ. तो द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और टेकिंग एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स? जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इट हेल्प्स टू लर्न हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस, कि वर्ल्ड, पूरे विश्व की जो फंक्शनिंग चल रही है वो एक्चुअली बेस्ड तो इकोनॉमिक्स से ही है। अगर हम बात करेंगे
डिसीजन मेकिंग की, तो इकोनॉमिक्स आपकी प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी बड़ी भूमिका अदा करता है डिसीजन मेकिंग की। थर्ड अगर हम बात करेंगे टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज जी, और जैसे कि हम सबको पता ही है कि इकोनॉमिक्स तो हर सब्जेक्ट में घुसा हुआ है ना, हर सब्जेक्ट में इसकी कहीं ना कहीं छाप होती है। तो हम अगर कहें तो इकोनॉमिक्स एनहांसेस अदर मेजर सब्जेक्ट्स आल्सो, और ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट, बैंकिंग, काउंसलिंग, फिनेंशियल, रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी करियर्स, इसमें ये पूरा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेटिस्फेक्शन, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसके बेनिफिट्स बताए। इवन हम तो डे टू डे लाइफ में भी इकोनॉमिक्स यूज़ करते ही हैं। इवन जो हाउस वाइफ्स होती हैं या वर्किंग वुमेन्स होती हैं, सभी इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो किचन में हो या उनके वर्क प्लेस पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।